अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी वन डे आउटिंग का, और ये वन डे आउट था हमारा बच्चों के साथ, और ये है जी ट्रिप टू गीगा मॉल का ये व्लॉग। तो मैंने आपके साथ सारा डिटेल में शेयर किया है, और हमारा प्लान था कि बारिश वगैरह होगी, जिससे मौसम अच्छा होगा तो हम लोग जाएँगे। तो लकीली हमने प्लान बनाया हुआ था बारिश के बाद का, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़िद की कि संडे आज चले जाते हैं। तो एक मौसम अच्छा था, लेकिन ये कि बारिश नहीं थी उस दिन, तो थोड़ी गर्मी भी थी। और संडे को फिर हमारा उस तरह से प्लान पहले से बना हुआ नहीं था, अचानक से ही हमने जाना था। तो फिर मैंने फटाफट से बच्चों को तैयार किया, अलीज़ और आयज़िद को, दोनों को मैंने ड्रेसअप इस तरह से किया क्योंकि मैंने इन्होंने जाना था फ़न सिटी में। तो फ़न सिटी में ना मैंने इसलिए इनको इस तरह से ड्रेसअप किया कि आराम से खेल सकें, वहाँ पर फ्रॉक्स वगैरह में ना बच्चे कम्फर्टेबल नहीं होते। और ये यहाँ पर मैं खुद भी तैयार हो गई थी, और सब चीज़ें बच्चों वगैरह की छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी रखने वाली होती हैं, तो फटाफट से सब तैयारी की है। और यहाँ पे हम लोग बस गाड़ी में बैठ चुके थे, और हमारा ट्रैवल शुरू हो चुका है। थोड़ा सा दूर है मतलब हमारे घर से, तो यहाँ पे हमें ना काफ़ी सारा टाइम जो है ना ट्रैवलिंग में चला जाता है। और हम लोग ऑलमोस्ट निकले थे 1 बजे घर से, और खाना वगैरह हमने कोई नहीं खाया हुआ था, नाश्ता ही थोड़ा लेट किया हुआ था। तो वहाँ पहुँचते तक ऑलमोस्ट हमें 2 बज गए थे, 2:15 का टाइम हो गया था। और अलीज़ा जो है सबसे पहले जाते सार उसने ही बोला कि भूख लगी है, कुछ खाना है। तो वहाँ पे जाके हमने क्या किया वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह भी शेयर करती हूँ। पहुँच चुके हैं जी गीगा मॉल, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है कहीं पे भी हम जाते हैं तो आइज़ल को है मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम। जब भी हम कहीं जाते हैं उसको वॉमिटिंग हो जाती है, और कुछ ना भी खाया हुआ तो भी उसकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कभार वॉमिटिंग कर भी देती है। तो थोड़ी बहुत सी वो सारा जो है ना मैं डस्टबिन वगैरह में ट्रैश डाला है, हैंड वगैरह वॉश किए, और अब हम यहाँ पर इंटर हो रहे थे गीगा मॉल में। और यहाँ से अब जो है ना अंदर मैं आपके शो करती हूँ। सबसे पहले जो था इनका यही था कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए, और फर्स्ट फ्लोर पे भी उनकी टॉय ट्रेन चलती है, तो इन्होंने सबसे पहले जाके वही ढूंढना शुरू किया। यहाँ पे इन दोनों की तलाश जारी थी भाई कि कहाँ है टॉय ट्रेन, और यहाँ पे हम बस हमने इनको ढूंढ के दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मिनी सो की है शॉप, मैं वहाँ पे गई थी, मुझे उसके आइटम्स बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभार कोई स्लीपर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें मैं वहाँ से ले लेती हूँ, छोटी मोटी गैजेट्स बहुत ज़्यादा है उनके पास। तो मैंने छोटा सा वहाँ का टूर किया था, और वैसे वीडियोज़ वगैरह अलाउ नहीं करते हैं, मैंने बहुत मुश्किल से ही थोड़ा सा ये क्लिप बनाया था। तो बस मैंने थोड़ा सा एक चक्कर लगाया यहाँ पर, और उसके बाद बच्चों को ट्रेन मिल गई थी और वो ट्रेन में बैठ गए। और सारी जो है ना यहाँ पे प्राइसेस वगैरह उन्होंने साथ मेंशन की हुई थी मोस्टली, और अभी ये था कि काफ़ी सारी चीज़ों की प्राइसेस उन्होंने मेंशन नहीं भी की हुई थी। तो यहाँ पे ये जी मिल गई इनको ट्रेन, और ये दोनों ट्रेन में बैठी हुई थी, ये आप देख सकते हैं, ये आइडल जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने 1-2 चक्कर लगाए हैं ट्रेन में, और उसके बाद इनको थोड़ा सा सुकून हुआ है। और ये ट्रेन इनको इतनी पसंद है कि इन्होंने हर फ्लोर पे जाके इस ट्रेन के जो है ना मज़े लिए हैं। ये है जी टावर बना हुआ जो गीगा मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से एथेनिक को रास्ता जाता है, तो हमारा ये था कि हम लोग फिर जा रहे थे फूड कोर्ट में, क्योंकि लीज़ा को भी भूख लगी हुई थी, खाने का टाइम भी हो चुका हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले यहाँ से फर्स्ट फ्लोर में एथेनिक की शॉप से हो आती हूँ, और एथेनिक मैं ज़रूर जाती हूँ जब कभी भी जाऊँ, क्योंकि उसके ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं मोस्टली उसी की ड्रेसेस बाय भी करती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई थी, और बस मैं एक चक्कर लगा के वहाँ से, उसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग फिर फूड कोर्ट में जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे फिर हम जो है ना नहीं आएंगे, तो फिर हम बाकी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा विज़िट किया। अच्छा, आप भी कभी गीगा मॉल में जाएं तो आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि वहाँ पे कोई भी, जैसे अभी फ़िलहाल समर एंड की सेल लगी हुई है, सब ब्रांड्स पे ऑनलाइन सेल लगी हुई है, और वैसे भी कोई आउटलेट्स वगैरह हैं वहाँ पे भी आपको सेल आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन गीगा मॉल में आपको कोई सेल आइटम नहीं मिलेगा। वहाँ पे उन्होंने सारी न्यू अराइवल रखे हुए होते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इसके लिए मतलब सेल आइटम्स लेने के लिए, तो फिर गीगा मॉल के जो ब्रांडेड ब्रांड्स की शॉप्स हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, आपका जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो और कहीं भी आउटलेट्स पे आपको मिल जाएंगी। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन भी सेल्स चल रही हैं सबकी, और ऑफलाइन भी चल रही हैं समर एंड की सेल, लेकिन गीगा मॉल में आपको कोई सेल नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर फिर हम लोग जा रहे थे फूड कोर्ट में,
वहाँ पे हमने बस खाना शाना खाया और उसके बाद फिर बच्चों को हम लोग ले गए थे फ़न सिटी में, और फ़न सिटी के लिए ही बेसिकली हम लोग गए थे क्योंकि बच्चों को वहाँ जाना था, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, सबसे पहले जो था ना फ़न सिटी से भी पहले हम लोग गए नीचे कारफोर में। कारफोर में मैंने छोटा सा एक चक्कर लगाना था, और मैंने सब वैसे मोस्टली उनके ना समर एंड में और विंटर एंड में उनकी काफ़ी डील्स वगैरह लगी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ना समर एंड का मौसम था और ना विंटर एंड का मौसम था, तो फ़िलहाल डील्स वगैरह कोई भी नहीं थी। तो बस मैंने कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग की है उनके जो ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ से, और बस थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। अच्छा, कारफोर में भी अलाउ नहीं है कैमरा यूज़ करना, तो बस ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने बनाए हैं। और उसके बाद वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, मैंने ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें ली हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सारा इनका जो है ना, ये पल्सेस का और ये सारा मैक्रोनीज और ये कलरफुल वर्मीसीरी, ये सब चीज़ें हैं, और इस तरह से इन्होंने सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे, ये है जो फन सिटी वाला एरिया और इसके साथ ही है फूड कोर्ट। तो फूड कोर्ट में हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी चिकन मांडी, और हम लोग जब भी जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया वैसे मुझे वैसे KFC बहुत पसंद है, लेकिन मैं सोची थी कि सब कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना शाना खाया, बच्चों को भी खाना खिलाया, और उसके बाद हम लोग आगे जी बच्चों को लेके फूड कोर्ट में। तो बच्चे यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थे, यहाँ पे हमने उनके कार्ड दोबारा से करवाए रीलोड, और उसके बाद दोनों को हमने छोड़ दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कहाँ पर हैं और वो किस तरह से इन्जॉय करें। तो ये संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा रश थी यहाँ पे, और मैंने वैसे जो हम लोग मोस्टली बच्चे खेलते हैं वो ये जो प्लेइंग एरिया बच्चों का बना हुआ वहीं पे था। अलीज़ा इस वाले एरिया में थी जो पहले आ रहा है, और आइज़ल जो थी ये छोटे बच्चों वाले एरिया में है, ये थोड़ा सेफ़ है बच्चों के लिए। और ये देखिए आइज़ल की मस्तियाँ, लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे तो आइज़ल थोड़ा छोटी थी, वो ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा डरती थी कि कोई बच्चा जो है ना वो मुझे गिरा ना दे, क्योंकि उस टाइम उसने नया नया चलना शुरू किया था, तो वो बहुत ज़्यादा डरती थी कि मतलब मैं गिर ना जाऊँ। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, तो काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे प्ले किया है, यहाँ से उसके निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो हमने भी इसको थोड़ा टाइम और दे दिया कि चलो अब जब खुद सेटिस्फाई हो जाओ तो फिर आ जाना। इसी तरह से अलीज़ा भी प्ले करी थी, उसके बाद कुछ छोटे मोटे और भी इन्होंने राइड्स लिए हैं, और उसके बाद जो है हम लोग, मैं इतनी देर में मैंने थोड़ी सी और शॉपिंग कर ली थी जो मैंने वहाँ से लेना था, तो जब लोग बच्चे फारग हुए हैं तो तब हम वहाँ से निकल आए थे, तो इतनी देर में बाकी सारा जो काम था वो भी हमारा फिनिश हो चुका हुआ था। अलीज़ा इस वाले एरिया में थी, यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ लेकिन शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये सामने वो खड़ी हुई है और खेल रही थी, और यहाँ पे बस उसका भी टाइम एंड होने वाला था, उसको हमने यहाँ से लिया है, और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी और राइड्स ली थी। ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा प्लेइंग एरिया बना हुआ है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर काफ़ी मतलब बनाए हुए हैं, करीब करीब में भी काफ़ी सारे प्लेइंग एरियाज़ बने हुए हैं, लेकिन इस तरह से सेफ़ वाला जो है ना वो बहुत कम है, और हमें फिर दूर ही आना पड़ता है। तो क्योंकि अभी आइज़ल छोटी है तो आइज़ल के हिसाब से हमें फिर ऐसी जगह देखनी पड़ती है जहाँ पे दोनों खेल लें थोड़ी देर, तो फिर हम इतने दूर आते हैं इनको लेके, और ये कि बच्चों के लिए करते हैं, उनको अच्छा लगता है यहाँ पे आके, तो हम उनको ले आते हैं कभी कभार। तो छुट्टियाँ थी वैसे भी बच्चों को, और बच्चे खुश होते हैं इस तरह से, काफ़ी इंटरटेन हो जाते हैं, तो बस यहाँ पर हम उनको यहाँ पे काफ़ी टाइम उनको हमने दिया है ताकि अच्छे से वो इन्जॉय कर लें, और बिल्कुल थक ही गए थे बच्चे दोनों, वापसी पर सो गई थी। तो बस यहाँ पे ये देखिए सारा जो है ना अलीज़ा और आइज़ल ने अलग अलग से राइड्स ली हुई हैं और वो इन्जॉय करी थी। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा हो गया था फिनिश, और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे।
और ये डेंजरस वाली राइड देखें, ये भी है यहाँ पे। मुझे तो उसको देख के ही डर लग रहा था, पता नहीं ये लोग किस तरह से इसके ऊपर बैठते हैं। और बस यहाँ पे हमने सामान वगैरह रखा हुआ था, हम लोग बाहर निकलने वाले थे, शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम था हम लोग जब निकले थे। अच्छा, वहाँ पे इस तरह से फ्रूट जूसेस के स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, एंड पे फिर हमने जूस वगैरह लिए हैं क्योंकि बच्चे जो है ना उनको प्यास बहुत लगी हुई थी। पानी तो उनका मैं साथ लेके जाती हूँ, लेकिन जब भी कहीं जाते हैं तो फिर उनको जूस चाहिए, तो हमने फ्रेश जूस लिए थे मैंगो वगैरह के, तो वो हमने पिए लेके और फिर हम लोग निकल आए थे। मौसम भी अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन एक थी फिर भी। और यहाँ पे बस हमारा ये वापसी का सफ़र है, हम लोग बस फिर वापस आ गए थे घर। रास्ते में एक पुल टूटा हुआ था, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें देर लगी। हम लोग देखिए रोशनी के टाइम पे घर से यहाँ से निकले थे, और हम लोग जब घर पहुँचे हैं तो ईशा का टाइम हो चुका हुआ था, और काफ़ी टाइम हमें रास्ते में लग गया। और आइजल देखें इस तरह से टांगे मेरी गोद में रख के और आराम से सोई हुई है, और अलीज़ा भी थोड़ी देर बाद सो गई थी, वो आगे बैठी हुई है। तो जो शॉपिंग वगैरह किया वहाँ से, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।